हेलो फ्रेंड्स, आज हम केवीएस पीजीटी बायोलॉजी के इंटरव्यू के लिए ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमें डेमो टीचिंग में कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करना चाहिए जो हमारे हमारी जो डेमो टीचिंग है उसको और इफेक्टिव बना सके। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जो भी टॉपिक चूज करें वो टॉपिक चूज करें एनसीईआरटी में गिवेन होना चाहिए, ऐसा टॉपिक होना चाहिए, आउट ऑफ एनसीईआरटी आपका टॉपिक नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, जब आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हैं ना तो आप एक चीज समझ सकते हैं कि आप किसी चीज की मॉर्फोलॉजी पढ़ाएं, तो मॉर्फोलॉजी को पढ़ाने में बहुत टेक्निकल सिस्टम नहीं बन पाता, बहुत अच्छा कोरिलेशन टॉपिक्स के बीच में नहीं बिठा मिलता है। बिठाते हैं हम लोग, बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं, पढ़ाते हैं जब हम पढ़ाते हैं तो, बट फिर भी आपको जैसे हमने आपसे सिंपली कह दिया कि आपको लाइकेन पढ़ाना है तो आप क्रस्टोज, फोलियोज, फ्रूटिकोज यही तो पढ़ाएंगे, उसमें कोई बहुत बड़े प्रोसेसेस तो बताने को है नहीं। या फिर आपसे आप सीड का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं तो क्या बताएंगे, उसमें प्रोसेस है ही नहीं बताने को। कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, ये सब डायग्राम बना देंगे, बता देंगे, कोई प्रोसेस बहुत स्पेसिफिकली बताने को वहां पर नहीं है। क्लियर है? या फिर आपने कह दिया हम स्टेम की एनाटॉमी पढ़ाने वाले हैं, तो स्टेम के एनाटॉमी में फिर वही आप डायग्राम बनाएंगे, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वट एवर जो भी आता है वो आप सारे पॉइंट्स बताने लग जाएंगे। तो सिंपली मतलब वहां पर ना जब ये मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पढ़ानी होती है तो बहुत अच्छा कोरिलेशन नहीं बन पाता है। क्लियर है ना? बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना, उतना ज्यादा इफेक्टिवली एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। किन चीजों को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं? आपको कोई प्रोसेस समझाना है, क्लियर है ना, या फिर आपको किसी बॉडी पार्ट की, किसी प्लांट स्ट्रक्चर, प्लांट के किसी फंक्शन की फिजियोलॉजी समझानी है, तो फिजियोलॉजी समझाने में एक अच्छा सा कोरिलेशन बनता है और बहुत अच्छे से हम समझा पाते हैं। क्लियर है ना? कोई प्रोसेस है, कोई फिजियोलॉजी है आपको समझाना है तो वो बहुत अच्छे से आप डिलीवर कर पाते हैं, वहां पर कोरिलेशन बहुत अच्छा बैठता है। जैसे आपको डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाना है तो वहां पर पूरा लिंक वाई लिंक पूरा बन रहा है कि ओआरआई है, ओआरआई के आगे की स्टेप होनी है रेप्लिकेशन बबल बनना है, वहां हेलिकेट हेलिकेज अटैच होना है, रेप्लिकेशन बबल बनना है, रेप्लिकेशन फॉर्क बननी है, फिर पूरा स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, साथ में डायग्राम्स भी ड्रॉ कर रहे होंगे तो बड़ा इफेक्टिव बनेगा, बड़ा इंप्रेसिव लगेगा आपका पढ़ाना। एक चीज याद रखिए, बायोलॉजी है, यहाँ डायग्राम्स के बिना कुछ नहीं होता। तो प्राइमरली आप एक कोशिश करें, आप जो टॉपिक चूज करें उसमें आपका या तो एक एफिशिएंट डायग्राम होना चाहिए, डायग्राम के साथ साथ आप फ्लो चार्ट की हेल्प ले सकते हैं समझाने के लिए। क्लियर है ना? और नहीं तो दोनों में से एक चीज तो जरूर हो, फ्लो चार्ट हो नहीं तो डायग्राम तो जरूर हो। बट मैं तो कहता हूं बायो बायो का अगर कोई टॉपिक है, कोई प्रोसेस है, कहीं कुछ भी समझा रहे हो, आप डायग्राम जरूर बनाए, डायग्राम आपकी प्रेजेंस को बहुत स्ट्रांग कर देता है। मैंने केवीएस के इंटरव्यू में जब पढ़ाया था उसके बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में, तो जो मुझे याद है बहुत अच्छे से मैंने बोर्ड पे ह्यूमन हार्ट बनाया और शायद मैंने 2 मिनट के अंदर, मतलब 1 मिनट के अंदर डायग्राम बना दिया था, 1 मिनट से कम टाइम के अंदर, और बहुत जल्दी से उसकी लेवलिंग कर दी थी। तो 2 से 2.5 मिनट के अंदर पूरा डायग्राम लेवलिंग के सहित तैयार हो चुका था। तो वहीं से वो इम्प्रेस हो गए थे मेरी टीचिंग से, उसी जगह से वो इम्प्रेस हो गए थे। क्लियर है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको इस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। आज हम मैंने बॉटनी के कुछ टॉपिक्स को सिलेक्ट किया है एनसीईआरटी की बुक के पेजेस पलट पलट के। अभी मैंने लगभग 30 मिनट्स लगाए इस चीज पर कि मैं आपके लिए कुछ अच्छे आउटपुट वाला कंटेंट निकाल सकूं। कुछ लोगों ने कहा था कि सर 1 मिनट, हाँ, कुछ लोगों ने कहा था कि सर अगर हम लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट पढ़ा दे, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट, तो आप पढ़ा सकते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट एक अच्छा टॉपिक है। पहली बात तो आप इसमें फ्लो चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपका डायग्राम यहां पर बन गया, डायग्राम के साथ फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ठीक है ना? पूरा जो लाइफ साइकिल बनती है उसमें गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट और सारा पूरा साइक्लिक सिस्टम विद डायग्राम रिटर्न वर्क के साथ बना सकते हैं, वो बहुत इंप्रेसिव लगेगा। और उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनाए होते हैं, क्योंकि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे होते हो ना, पढ़ान जब आपकी टीचिंग कंप्लीट हो जाती है, जब आपकी टीचिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर वो उसी टॉपिक से क्वेश्चंस निकालते हैं। कई बार वो आपके पढ़ाते पढ़ाते ही बीच से टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है ना? तो आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, उस टॉपिक
के सारे डायमेंशंस को कवर करके जाएं, उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजों को कवर करके ले जाएं, ठीक है ना। तो ब्रायोफाइट में तो ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके लिए। पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन जब आप ब्रायोफाइट पढ़ाएंगे तो उनका पहला क्वेश्चन होगा आपसे किससे रिलेटेड, गैमेटोफाइट से रिलेटेड और स्पोरोफाइट से रिलेटेड, मतलब ये क्लियर है बिल्कुल, ठीक है ना। फिर वो आपसे ब्रायोफाइट ब्रायोफाइट के कुछ एग्जांपल पूछेंगे, इसकी डिपेंडेंसी पूछेंगे कि कौन किस पे डिपेंडेंट है। फिर वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि स्पर्म के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, तो जो स्पर्म के जो एंथ्रोजॉइड होता है उसके लिए वाटर चाहिए। यहीं से क्वेश्चंस निकालेंगे, बड़े सारे क्वेश्चंस बनेंगे और आप बड़े अच्छे से आंसर देंगे, आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे इंटरव्यू में, ठीक है ना। इसके बाद अगला टॉपिक, किसी ने मुझसे कहा था कि सर अगर हम लाइफ साइकिल ऑफ स्पोरोफाइट उसकी बात कर लें, टेरिडोफाइट की, तो हाँ उसमें भी क्वेश्चंस बन जाएंगे, अच्छे खासे क्वेश्चंस, और एक बढ़िया आपका जो प्रेजेंटेशन बनेगा पूरा लाइफ साइकिल का, लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। देखो वीडियो को पूरा देख लें, अभी मुझे बहुत कुछ बताना है और वो आपके लिए फ्रूटफुल है, ठीक है ना। इसके बाद तो यहां से भी क्वेश्चन गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैंने जो देखा बुक में, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ एक पूरी जो प्लांट में अच्छा खासा प्रोसेस है जहां पर पूरा आप कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन, ठीक है ना, पूरा इंटरफेसिकुलर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और सारा जितना भी फॉर्म होता है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, मेडुलरी रेज, वो प्रोसेस अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। बाद में फिर पेरिडर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस इससे रिलेटेड लिंक कर जाएगा, तो ये चीज बहुत अच्छी रहेगी। हाँ एक चीज मैं और साथ में ऐड कर देता हूं कि जो टॉपिक आप लें वो लगभग इतना लें कि 10 मिनट के अप्रॉक्स टाइम कंज्यूम कर रहा हो, ठीक है ना। जैसे आपने कोई ऐसा प्रोसेस उठा 10 मिनट्स के अंदर उन्हें आप समझा पाए, विद इन 10 मिनट, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक हुआ जल्दी खत्म हो गया तो भी ठीक नहीं रहता है, बहुत लेंदी टॉपिक हुआ आप 10 मिनट में ना शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं उसको, कहानी ही कहते जा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा, क्योंकि उनको आउटपुट चाहिए। वो मैक्सिमम आपको देंगे 20 मिनट, आपकी परफॉर्मेंस खराब हुई तो आप 7-8 मिनट के अंदर रूम से बाहर, ठीक है ना, समझ गए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, एक और पार्ट इंपॉर्टेंट है। आप मियोसिस को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि मियोसिस में पूरा मियोसिस ना पढ़ाएं, अगर आपको मियोसिस पढ़ाना है तो आप समझाने के पर्पज से क्रॉसिंग ओवर और सिनेप्सिस वगैरह जो ये पार्ट आ जाता है ना, सिनेप्सिस होना और उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होना, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मा, ये प्रोसेस को यहां से चूज कर सकते हैं। बट ये प्रोसेस अगर आप पढ़ाते हैं तो डायग्राम बहुत अच्छे से तैयार करके ले जाएं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ से आपके लिए। डाइवेलेंट क्या होता है, ठीक है ना, बाइवेलेंट कौन सी कंडीशन होती है, होती है, इसके अलावा कियाज्मेटा क्या है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मा क्या है, ठीक है ना, क्रॉसिंग ओवर किन स्ट्रैंड्स के बीच में होती है, वो मल्टीपल क्वेश्चन, सिंगल क्रॉसिंग ओवर क्या है, डबल क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर पर किस साइंटिस्ट ने काम किया था, मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ से बनाएंगे और आपको पता है क्वेश्चन क्या क्या होंगे, लगभग आपको पता हो जाएगा। तो वो सारे जब आप तैयार करके जाएंगे तो लगभग आप उनके सबके आंसर्स कर पाएंगे, ठीक है ना। माइटोसिस भी ले सकते हैं, अगर माइटोसिस पढ़ाएं तो फिर कंप्लीट माइटोसिस माइटोसिस पढ़ाएं, क्योंकि मियोसिस में आप पूरा पार्ट तो कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, ये पार्ट अगर आप पूरा पढ़ाएंगे डिटेल में तो जाने कितना टाइम ले जाएगा, तो आप लें तो फिर केवल क्रॉसिंग ओवर लें और उतने पार्ट को डिटेल में पढ़ा दें। माइटोसिस आप पूरा प्रोसेस पढ़ा सकते हैं, इसके लिए डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं ताकि विद इन टाइम आप अच्छे से डायग्राम बना सके और उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सके। नेक्स्ट मुझे जो फिजियोलॉजी के पॉइंट्स लगे डिफाइन करने के पर्पज से, वो मुझे बहुत अच्छे लगे फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको पढ़ाया जा सकता है और बहुत एफिशिएंटली पढ़ाया जा सकता है, क्लियर है ना। मुझे इसमें जो सबसे अच्छा क्वेश्चंस निकालने वाला पार्ट लगता है वो मुझे लगता है C4 साइकिल। ये C4 साइकिल इतना अच्छा टॉपिक है, बंडल शीट कहाँ है, ठीक है, बंडल शीट का क्या रिलेशन है उसके साथ में, फिर उसके बाद वो क्रेन्स एनाटॉमी क्या है, C3 C4 साइकिल में डिफरेंस क्या है। पहले तो आपको C4 साइकिल पढ़ाना है, क्योंकि जब आप पढ़ा लेंगे ना फिर उस टॉपिक के पीछे पढ़ेंगे वो लोग, उस टॉपिक की पूरी पूंछ उखाड़ेंगे वो, हर डायमेंशन में उस टॉपिक के पीछे घूमेंगे वो लोग, तो समझ गए ना। C4 साइकिल, फिर ये फोटो रेस्पिरेशन से कैसे लिंक करता है, होती है कि नहीं होती है, सनलाइट, अगर बहुत सनलाइट है, CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है या कम है, तो कौन से प्लांट्स रोल प्ले करेंगे, C4 करेंगे कि C3, कौन से अच्छे रोल प्ले करेंगे, मल्टीपल क्वेश्चन यहां से बनेंगे, ठीक है ना। तो C4 साइकिल सबसे टॉपिक मुझे एफिशिएंट लगा पूरे इस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। इसके बाद आप केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस,
केमीओस्मोटिक हाइपोथेसिस अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप पढ़ाएं तो इसे डायरेक्ट ना पढ़ाएं। इसके साथ में जब आप पढ़ाएंगे तो अच्छे से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को ना पूरा लिंक करके पढ़ाएं, ताकि टॉपिक डिफाइन बहुत अच्छे से हो पाए। क्लियर है ना, इस चीज का आप ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आप फोटो रेस्पिरेशन भी ले सकते हैं, बट एनसीईआरटी में फोटो रेस्पिरेशन उतना डेप्थ में मेंशन है नहीं, बट हाँ आप पढ़ा सकते हैं। बट फोटो रेस्पिरेशन थोड़ा अलग टाइप से हो जाएगा, उतना रिलेवेंट नहीं रहेगा। तो C3 या C4 साइकिल को चूज करें, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस को चूज कर लें। C4 इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है कि C4 में C3 खुद ही आ जाती है उसके साथ में, ठीक है ना। पीपी और मैलिक एसिड बनता है, ऑक्सलोएसिटेट बनता है, क्या बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां बनते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ ये, अगर आप बायोकेमिस्ट्री से हैं, आपकी बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तभी आप ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, इन सबके साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन सबके साथ तभी पंगाले, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन जो भी आप कहें, इनके साथ तभी पंगा लें, अदरवाइज इनके साथ पंगा ना लें। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री वाला हुआ तो आपको अच्छे से धो देगा, सारे एंजाइम आपको याद रखना मुश्किल पड़ जाएंगे हर स्टेप के, कहाँ डिकार्बोक्साइलेशन हो रहा है, कहाँ डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, आप कहीं ना कहीं वो आपको फंसा लेगा, फिर आप चक्कर में पड़ेंगे। तो बहुत एफिशिएंट है तभी इसके चक्कर में पड़े, अदरवाइज नहीं पड़े। क्योंकि केमिकल रिएक्शन, हर एक का केमिकल स्ट्रक्चर आपको याद होगा नहीं, उस तरीके से ड्रॉ कर नहीं पाएंगे, तो डिफाइन करने में दिक्कत होगी, तो इस टॉपिक के पास ना जाएं। क्लियर है ना। इसके बाद अगर हम 12th के सिलेबस से देखें तो आप माइक्रो स्पोरोजेनेसिस टॉपिक मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसमें डिफाइन करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। नहीं तो फिर मेगा स्पोरोजेनेसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के टॉपिक्स हैं ये। इसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी मैंने कहा है, टॉपिक बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल जरूरी नहीं है, टॉपिक वो जरूरी है जो आप अच्छा पढ़ा पाएंगे, ठीक है ना। इस चक्कर में मत जाना कि मैं वहां पर एकदम सब धुआं धुआं कर दूंगा, इतना तगड़ा पढ़ाऊंगा, ठीक है, इतना ऐसा टॉपिक लेके जाऊंगा जो जो बैठा होगा उसी को नहीं आता होगा, वो तुमसे वो पूछेगा ही नहीं। क्लियर है ना। जब उसको नहीं आता होगा तो उसमें तुम्हें वो खींचने ही नहीं देगा। अगर तुमने पढ़ा भी लिया जबरदस्ती तो क्वेश्चन बहुत सारे नहीं निकलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, फिर आपका कुछ होना नहीं वहां से, ठीक है ना। सपोज आप कुछ ले ही गए कि आपने कहा मैं IgG इम्यूनोग्लोबुलिन जी पढ़ाऊंगा, गामा इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ाऊंगा, उसके अंदर चले गए, आपने वो टॉपिक निकाले कि जो उसको खुद ही नहीं पता है जो बैठा हुआ है यहाँ पे, वहां पे आपका इंटरव्यूअर, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता वहां पे। या तो वो आपका टॉपिक कैंसिल करा देगा, नहीं तो फिर वो कहे आपको अपनी तरफ से टॉपिक दे देगा, तो फिर आप इमिडिएटली बताएं उतना अच्छा पढ़ा पाए कि नहीं पढ़ा पाएंगे। इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, अच्छा टॉपिक है, ठीक है। पॉलन ग्रेन का जो पूरा डेवलपमेंट होता है पोस्ट पॉलिनेशन वाला, उस पूरे प्रोसेस को अच्छे से डिफाइन करना। एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट्स, एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकॉट्स, ठीक है, ये टॉपिक्स हैं जो मुझे प्लांट सिस्टम से ठीक लगे, मुझे ऐसे लगे जिनको चूज करके अच्छे से पढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ठीक हो सकता, 100% मैं ही ठीक हूं, हो सकता है आपकी स्किल्स किसी टॉपिक को पढ़ाने में बहुत स्ट्रांग हो, जो मॉर्फोलॉजी का हो, जो एनाटॉमी में हो, तो आप उसको आराम से पढ़ाएं, ठीक है ना। बट मुझे ऐसा लगता है कि प्रोसेसेस को डिफाइन करना, फिजियोलॉजी को डिफाइन करना ज़्यादा ईजी होता है कंपेरेटिवली एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी को डिफाइन करने के कंपेरिजन में, ठीक है ना। फैमिलीज के पास ज़्यादा जाएंगे तो फिर वहां पर दिक्कत होगी, जैसे आपने कैलिक्स लिखा, करो लिखा, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, अब वो आपके पास टाइम नहीं है बताने का कि गैमोपेटलस है, पॉलीपेटलस है, क्या कंडीशन है, एपीगाइनस है, हाइपोगाइनस है, तो ये सब बताने उतना रिलेवेंट नहीं बन पाता वहां पर, उन टॉपिक्स को टाइम चाहिए बहुत ज्यादा। छोटे टॉपिक ले जाएं, जो आपका टॉपिक कितने टाइम में फिनिश हो रहा हो, 10 मिनट में फिनिश हो रहा हो, आप 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट सोच के जाओगे तो 8 मिनट में पढ़ा पाओगे, ठीक है ना। बाद बाकी मैं भी कुछ वीडियोस लाऊंगा, एक लाऊंगा कि
आप जो है एनिमल फिजियोलॉजी वगैरह से या फिर जूलॉजी के जो पार्ट्स हैं उनसे कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे से ले सकते हो, दूसरा फिर उसके बाद में लेके आऊँगा एक पूरा माइक्रोबायोलॉजी के साथ में बायोटेक्नोलॉजी और जितना डीएनए रेप्लिकेशन एटसेट्रा है, जेनेटिक्स वगैरह है, इसका एक वीडियो। तो इनमें मैं अच्छे अच्छे टॉपिक सिलेक्ट करके लाऊंगा, क्लियर है ना। टॉपिक वो चूज करें जिसमें आप प्रोफिशिएंट हो, क्लियर है ना। तो बाकी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। कुछ क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों ने किए हैं, सर इंटरव्यू इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है, इंटरव्यू का वेन्यू क्या होता है, तो इन सब चीज़ों की बात हम एक और वीडियो लाऊंगा मैं, उसमें डिटेल में करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।